मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आई होप आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे फोर्थ क्लास। एंड आई ऑल्सो होप फोर्थ क्लास के आपने चैप्टर नंबर 8 अडैप्टेशन इन एनिमल्स की फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, इवन बुक भी रीड करी होगी। सो क्लास, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर साइंस बुक, टेक आउट पेज नंबर 71, चैप्टर नंबर 8, अडैप्टेशन इन एनिमल्स। डू इट फास्ट क्लास, टेक आउट फास्ट। निकाल लिया। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 8, अडैप्टेशन इन अडैप्टेशन इन एनिमल्स। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एनिमल अलग अलग जगहों पे रहते हैं। एक्वेटिक वाला, जैसे जो पानी में रहने वाले एनिमल है वो लैंड पे तो नहीं रह सकते, बट कुछ एनिमल्स हैं जो लैंड और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एनिमल की अलग अलग सिचुएशन होती है जहाँ वो पलता बढ़ता है और वो वहीं पर उसकी बॉडी अडाप्ट कर लेती है उसी एटमॉस्फेयर को। अगर उस एनिमल को उठा के किसी और क्लाइमेट में, किसी और एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो यही है अडाप्टेशन। हमने पढ़ा था लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड आल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके पूरे वर्ल्ड में हमारे हमें प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। दे लिव इन डिफरेंट एरिया सच एज लैंड, वाटर और एयर। और ये अलग अलग एरिया में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं। द नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स एंड ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। और जहाँ पर जो एनिमल्स नेचुरल प्लेस पे रहते हैं, वहीं पर बॉर्न होते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं उनको वो बड़े होते हैं, तो नेचुरली वो उस एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेते हैं। उस चीज को हम क्या टेक। तो आपका फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन था कि व्हाट इज हैबिटेट, द नेचुरल प्लेस वेयर एनिमल्स, वेयर एन एनिमल लिव्स एंड ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड अ हैबिटेट। जहाँ पर जो एनिमल्स हैं नेचुरली लिव करते हैं, रहते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। फिर हमने पढ़ा कि अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कि क्या क्या अडाप्टेशन है, क्या क्या चीज़ें वो अडाप्ट करते हैं, वो अपना समझते हैं, अडाप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं उनकी बॉडी कि उस हिसाब से उनको बांटा गया। डिफरेंट एनिमल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स इन टू द फॉलोइंग ग्रुप। डिफरेंट एनिमल को उनके हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उनकी आदतों के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है। सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल, लाइक एलिफेंट, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, माउस। ठीक है, और ये एलिफेंट और आपको फॉक्स, ये सारे कहाँ रहते हैं, ज़ेब्रा, ये कहाँ रहते हैं आपके लैंड पे, तो दीज आर कॉल्ड दी टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो आपका सेकेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन था व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, लायन, टाइगर, डॉग एक्सेट्रा। अब हम इनके अडाप्टेशन पढ़ेंगे, कैसे ये एटमोसफेयर को अडाप्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायन, टाइगर, डॉग एक्सेट्रा हैव लेग्स टू रन एंड रन ऑन दी लैंड। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट, लायन, टाइगर, इनके पैर होते हैं, ये चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं लैंड में। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, और इनके पास लंग्स होती है जिससे ब्रीथ कर सकते हैं। देयर नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है और सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं प्रॉपरली वेल डेवलप्ड होते हैं, ये सारा काम आसानी से अपना कर सकते हैं। स्नेक्स हैव स्केल्स टू क्रॉल, और स्नेक्स के पास स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी को जमीन के थ्रू रगड़ने में, मतलब क्रॉल करने में, जमीन पर चलने में हेल्प करती है। एनिमल्स लाइक कैमल, डेजर्ट रैट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। और जो एनिमल्स बहुत ही गर्म जगह पे मिलते हैं वो होते हैं कैमल, आपका कैमल मिलता है, डेजर्ट रैट मिलता है, जो कि हॉट, गर्म और ड्राई डेजर्ट मिलता है। देयर स्किन इज थिक एंड वेरी लिटिल हेयरी, और उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटी सी होती है उनकी स्किन, और उनकी स्किन पे बहुत ही कम हेयर होते हैं। सो दे डू नॉट लॉस मच वाटर, तो उस वजह से जो ये डेजर्ट एरिया में एनिमल्स रहते हैं उनका ज़्यादा पानी नहीं होता गर्मी की वजह से। कैमल हैव सेंस ऑर्गन्स, स्पेशल सेंस ऑर्गन टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज। कैमल के पास एक स्पेशल सेंस ऑर्गन है, मतलब नेचुरली भगवान की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, उसके पास स्पेशल सेंस ऑर्गन है
जिसमें वो अपना एक्स्ट्रा पानी मतलब स्टोर करके रखता है कि जब कैमल को कभी पानी नहीं मिलता तो उस सेंस ऑर्गन से पानी की अपनी बॉडी में जो पानी की कमी है वो पूरी होती है। Their fleshy soles help them to move on hot sand. और जिनके fleshy soles होते हैं, जो पैर में fleshy गीलापन होता है, वो इनको sand में चलने में help करते हैं। Their eyelashes are very long to protect the eyes from sandstorm. और इनके जो आँखों की पलके होते हैं, eyelashes को आँखों की पलके कहते हैं, जो eyelashes होती है इनकी desert area में जो आपके इनकी बहुत बड़ी होती है, ताकि जो सैंड का स्ट्रोम आता है, जो जैसे जो मिट्टी का तूफान आता है, तो वो उनकी आंखों में ना पड़े, वो इजीली सैंड स्ट्रोम में भी चल पाए। माउंटेन गोट्स एंड याक माउंटेन गोट्स एंड याक आर फाउंड ऑन माउंटेन व्हाइल पोलर बियर एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन पोलर रीजन। जो माउंटेन याक और माउंटेन गोट होते हैं, जो सिर्फ ठंडी जगह पे हिमालय की जगह पे रहते हैं, वो कहाँ मिलते हैं हमें? माउंटेन्स पे मिलेंगे, पहाड़ों पे मिलेंगे। और लाइक पोलर बियर और पेंगुइन जो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, जैसे पोलर बियर रहते हैं इक्वेटर में, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पेंगुइन्स पे इक्वेटर के आसपास अंटार्कटिका में रहते हैं जब बहुत ठंड होती है, तो वहीं पर मिलेंगे। और उनको अगर हम यहाँ ले आएंगे तो वो मर जाएंगे, बिकॉज उनके बहुत ज़्यादा ठंड में। दीज प्लेसेस आर वेरी कोल्ड, और ये जो प्लेस ज़्यादा ठंडी होती है। एंड दीज एनिमल्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म, और इनके एनिमल्स के स्किन पे बहुत ज़्यादा मोटी एक फर की परत होती है, मतलब बॉडी पे एक बाल बाल की बहुत मोटी परत होती है, जिससे इनको ठंड नहीं लगती। पोलर बियर पेंगुइन सीज हैव थिक लेयर ऑफ अंडर स्किन फैट इज कॉल्ड ब्लूबल, और जो इनके स्किन पे इतनी मोटी परत होती है बालों की, फर की, उसको हम कहते हैं ब्लूबल। ब्लूबल कीप्स देम वार्म, और ब्लूबल जो होता है इनको गर्म रखने में, इनकी बॉडी को इतनी ठंड में गर्माहट देने में हेल्प करता है। दे यूज अंडर स्किन फैट एज फूड इन वॉटर, और ये अपनी अंदर फैट होता है उसी से अपना मतलब उसी फैट से ये विंटर में जब इनको खाना नहीं मिलता तो उसी से ये अपना काम चला लेते हैं। तो ये हमने अभी तक पढ़ी टेरेस्ट्रियल की अडाप्टेशन, अब आप इसको यहाँ तक रीड करो, फिर हम एक्वेटिक की अडाप्टेशन पढ़ेंगे क्लास, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास अब आपका थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्लूबर्ड, क्या आता है थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लूबर्ड। अब आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में जहां आप लोगों ने काम कर रखा है वहीं से कंटिन्यू करोगे, कहीं आगे पीछे कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका एक्स्ट्रा, व्हाट इज ब्लूबर्ड, क्या होता है? पेंगुइन्स एंड सील्स, पेंगुइन्स और सील्स जो है हैव अ थिक बहुत मोटी लेयर होती है, हैव अ लेयर ऑफ अंडर स्किन फैट, और उनकी जो बहुत ही थिक लेयर होती है उनके स्किन अंडर स्किन के नीचे फैट होता है, बहुत ज्यादा चर्बी होती है, वही चर्बी उनको गर्माहट देने में हेल्प करती है विंटर में, विच इज कॉल्ड ब्लूबर्ड, और उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूबर्ड, क्या कहते हैं उसको हम, ब्लूबर्ड। तो ये आपका थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन था क्लास, जो आप लोगों ने लिखना है, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लूबर्ड, ठीक है। यहाँ तक रीड करो, राइट करो, फिर हम एक्वेटिक पढ़ेंगे, फिर एक्वेटिक के अडैप्टेशंस पढ़ेंगे, ठीक है क्लास। रीड इट टिल हियर, रीड इट एंड राइट इट केयरफुली।
सेकंड क्लास यहाँ तक आपने राइट करा 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चले आगे, चलिएगा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। दीज आर कॉल्ड द एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। जो एनिमल पानी में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। फिश, टर्टल, व्हेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। ये सारे कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहते हैं। ठीक है, फिश रहती है, टर्टल रहते हैं, ऑक्टोपस रहते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? आपके पानी के अंदर। दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक। तो अब आपका फोर्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है क्लास के यहाँ पर। क्लास लिख लिया आप लोगों ने, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। Breathe. How whales and
इसको ध्यान से पढ़ो और ध्यान से ही लिखो क्लास। Okay, class.